Hi, my name is Shubhanshi Raghuvanshi and you're watching me on PNT. You? Yes. अंजलि को अभी अभी पता चला है कि अभी तक वो जिस जो सीक्रेट उसे जो उसे पता ही नहीं था वो आज अंजलि को किसी तरह से पता चल पाया है कि अब वो माँ बनने वाली है, जबकि अंजलि अभी तक ये सोचती थी कि वो अभी माँ नहीं बन सकती है, तो उसे पता चला है। बट वो ये बात ऐसा कुछ जादू उसके ऊपर कर दिया है, कुछ ऐसे पजेस कर दिया है उसको कि वो ये बात घर वालों को यश को बता नहीं पा रही। जैसे वो बोलने जाती है उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है और वो अपनी बात उन्हें बता नहीं पा रही है, तो वो बहुत परेशान हो रही है कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है एंड मैं सबके साथ बता नहीं पा रही हूँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और एट द सेम टाइम उसे कोई चाकू लेके मारने भी आता है तो वो बहुत घबरा जाती है कि ये क्या नया हो रहा है मेरे साथ, चाकू लेके कौन मारना चाहता है मुझे। आई थिंक रिचा का तो काम ही है कि वो अंजलि के अगेंस्ट प्लान बनाती है, और तो बस रिचा ने ही एक चाकू वाला गंदा प्लान बनाया है, लेकिन अंजलि को नहीं जानती कि ये प्लान रिचा ने बनाया है। बट रिचा का सीक्रेट पता चल गया है अंजलि को कि उसने रिपोर्ट्स बदली थी, झूठी रिपोर्ट्स थी कि रिचा ने कहा था कि अंजलि माँ नहीं बन सकती है और रिचा प्रेग्नेंट है, जबकि इट्स दी ऑपोजिट, अंजलि प्रेग्नेंट है और रिचा माँ नहीं बन सकती है, पर उसने रिपोर्ट्स चेंज करी थी। तो अंजलि को पता चल गया है, वो घर में रिवील कर देगी, उसके लिए रिचा उसके साथ ये चाकू लेके उसे मारने आ जाती है क्योंकि रिचा डरी हुई है कि उसका सीक्रेट बाहर ना आ जाए।